हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो मैं आज आप सभी के लिए एक चिप्स की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जिसे आप इजीली शाम को स्नैक्स में खा सकते हो। और ये अनहेल्दी नहीं होता है, क्योंकि ये घर पे बना होता है और इसमें ज़्यादा हमने मसाले भी नहीं डाले होते। अगर आप रोज़ बाहर का चिप्स खाओगे तो आपके हेल्थ को भी वो नुकसान देगा। आई नो कि ये चिप्स भी अगर आप रोज़ खाओगे तो नुकसान देगा, बट आप वीक में 2-3 बार तो खा ही सकते हो। और इसको बनाने के लिए हमने मसालों का यूज़ किया ही नहीं है, तो आप इजीली बना सकते हो। और ये 5 से 7 मिनट में बनकर खाने के लिए तैयार होगा और आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आएगा। तो लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ 1 सेकंड का टाइम निकाल के मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके मेरे छोटे से परिवार का हिस्सा बन जाइए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें आलू लेना है, आप 4 से 5 आलू लेना, या फिर आपको और चिप्स बनाना तो उससे ज़्यादा लेना। उसको अच्छी तरीके से धुल लेना। धुलने के बाद एक चिप्स काटने वाली मशीन मिलती है, आप वो ले लेना, या फिर ये जो जिसका यूज़ मैंने किया ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा, तो आप उसके हेल्प से भी चिप्स को काट सकते हो। आप चिप्स का शेप थोड़ा पतला पतला रहने देना, जैसे मैंने रखा है। जब आपके सारे आलू अच्छी तरीके से कट जाए तो उनको हमें पानी में अच्छी तरीके से धो लेना है, क्योंकि आलू जो होता है उसमें थोड़ा किनकिनापन होता है जो कि खाने में अच्छा नहीं लगता। तो हमें एटलीस्ट 2 से 4 पानी उसे धुल लेना चाहिए। धुलने के बाद हम इनको एक प्लेट में अलग तरीके से फैला देंगे और फैलाने के बाद इनका पानी सुखा लेंगे, क्योंकि इनको बिना आप पानी सुखाए नहीं बना सकते हो, वरना ये कढ़ाई में जाएंगे और इसका ऑयल चारों तरफ फैलेगा और आप इससे जल भी सकते हो। तो हमें इसे थोड़ी देर सुखा लेना है। सुखाने के बाद हमें एक कढ़ाई लेनी है, उसमें आप अपने अकॉर्डिंग ऑयल डालना। आप थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डाल लेना, क्योंकि हमें इसे अच्छी तरीके से ऊपर नीचे से तलना होता है। जब आपका ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो आप ऑयल के जो चिप्स के टुकड़े काटे थे उसके अंदर डालना। देखिए, हमने अपने आलू को अच्छी तरीके से सुखा लिया है, तो ये उड़ नहीं रहे हैं। उसके बाद हमारा ऑयल भी अच्छी तरीके से गर्म था, इसमें हमने अपने अकॉर्डिंग चिप्स डाला है और इसको अच्छी तरीके से दोनों साइड से पकाना है। तो जब तक हमारे चिप्स पक रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या फिर आप मेरी वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो और लेकिन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपको मेरी वीडियो देखना भी पसंद है, तो प्लीज़ 1 सेकंड का टाइम निकाल के सब्सक्राइब कर लिया करो। मैं आप सभी से बहुत बार बोलती हूँ बट आप करते नहीं हो। आपके 1 सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मैं आप सभी लोगों के लिए नई नई वीडियो लेकर के आती रहती हूँ डेली। तो प्लीज़ आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, मुझे इससे मोटिवेशन भी मिलता है और मैं नई नई रेसिपीज़ लेकर के आती रहती हूँ, जो कि सबसे आसान होता है। तो प्लीज़ अगर मैं आप सभी के लिए इतना सोचती हूँ तो आप भी मेरे लिए सोचा करो। और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। उसके बाद ये देखिए, चिप्स को हमने मीडियम फ्लेम पे करके पकाया है। ये थोड़े से जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हमें इसे प्लेट में निकाल लेना है। ऐसे ही जो बचे हुए हमारे आलू के चिप्स थे, इसको भी हमें ऑयल में अच्छी तरीके से डालना है और तल लेना है। जब दोनों साइड से अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन जैसा ये दिखने लगे तो समझ जाना कि आपके चिप्स बन करके तैयार हो गए हैं। तो हमें इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। प्लीज़ 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 वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अभी आगे इसके अंदर हमें क्या क्या मसाले डालने हैं वो भी देखना है। तो ये देखिए, हमारे जो चिप्स हैं अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गए। इनको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक। आप चाहो तो ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हो, या आप उसके अलावा भी कोई पाउडर डालना चाहते हो मसाले का तो आप डाल सकते हो। बट हमने यही 2 चीज़ डाला है, क्योंकि हमें इसको बहुत ज़्यादा सिंपल बनाना था। और नमक में भी हमने वाइट सॉल्ट नहीं लिया, रॉक सॉल्ट लिया, जिसे हम काला नमक भी बोलते हैं, क्योंकि उससे ही ये टेस्टी बनेगा। अगर आप वाइट सॉल्ट डालोगे तो वो थोड़ा सा अजीब सा टेस्ट आने लगता है। उसके बाद हमें एक बाउल लेना है, अगर उसका कवर करने वाला हो तो और ज़्यादा अच्छा है। हमने वैसे ही एक बाउल जैसा लिया है और उसमें अपने चिप्स को डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये देखिए, हमारे चिप्स बन करके तैयार है। ये खाने में सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और ये सबसे ईजी रेसिपी है चिप्स बनाने का। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब करके जाना। लव यू ऑल, बाय, सी यू।